हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 24 क्वेश्चंस हैं एंड सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। जैसा कि फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। सभी थ्योरी सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मैंने कराया हुआ है एंड इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रैक्टिस चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का बीपीएससी टीआई 2 वाले में आप जाइए, पूरा डिटेल में देखिए। एक एक वीडियो अच्छे से समझाया गया है एंड 2024 के फिजिकल एजुकेशन के ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए 68वां वीडियो प्रैक्टिस है। तो दोस्तों, डेली बेसिस बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रो चक्र का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे आप सबको पता है माइक्रो चक्र का दूसरा नाम है साप्ताहिक चक्र। जैसे कि ट्रेनिंग साइकिल, प्रशिक्षण चक्र तीन होते हैं, आप सबको पता है, माइक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। माइक्रो चक्र जो 3 से 12 महीने का यानी 1 साल का होता है, जिसे ट्रेनिंग योजना भी कहते हैं, जो सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल होता है। दूसरा चक्र होता है मीजो चक्र, जो 3 से 6 सप्ताह यानी 1 से 1.5 माह का होता है, जिसे तैयारी काल या मासिक ट्रेनिंग चक्र या मासिक चक्र या अवस्थान चक्र भी कहा जाता है। तीसरा होता है माइक्रो चक्र, जिसे सूक्ष्म अवधि चक्र या साप्ताहिक योजना कहा जाता है। यह सबसे छोटा चक्र होता है, जिसका समय 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह होता है, इसलिए माइक्रो चक्र को साप्ताहिक चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालीन प्रशिक्षण योजना किसे कहते हैं। तो अभी जस्ट आपने सूक्ष्म अवधि चक्र या अल्पकालीन चक्र किसे कहा जाता है, तो माइक्रो चक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो चक्र योजना किस सन में स्थापित हुई थी। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन हमने कहीं नहीं पाया हुआ है, तो यहाँ भी ऑप्शन आंसर दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको खोजना पड़ेगा कब से शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है, खेल प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य अच्छे परिणाम प्राप्त करना होता है, अच्छा प्रदर्शन दिखाना होता है, यह कथन कौन से सिद्धांत को प्रकट करता है। तो दोस्तों, मैंने इस प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग यानी खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत में 11-12 सिद्धांत मैंने बताया हुआ है, जिसमें से यह जो है परिणाम प्राप्त करने की बात कर रहा है, तो परिणाम प्राप्ति के सिद्धांत से संबंधित है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग में आपका हो गया प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन यानी गर्माने व ठंडा होने का सिद्धांत, कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत, ओवरलोड अतिभार का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, सामान्य जनरल विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत, रेस्ट एंड रिकवर का सिद्धांत यानी आराम तथा पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत, चक्रीयता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, प्रगति क्रम का सिद्धांत, परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत, आयोजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध ट्रेनिंग का सिद्धांत, स्पष्टता का सिद्धांत आदि सभी खेल प्रशिक्षक के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, परिणामों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य एवं सिद्धांतों को निर्धारित करना, यह किस सिद्धांत का है। तो दोस्तों, यह भी परिणाम प्राप्त करने की लंबे समय तक बनाए रखने की बात कर रहा है, तो यह भी परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति एवं संवेदी तंत्रिकाओं और खेलकूद के एवं इसके विरोधी पेशियों में अंतर, पेशी संकोच का वर्णन, चल अचल संधि जैसे शब्दों से परिचित कराने वाले लेख का डी मोटू मस्क्यूटोरम का लेखक कौन है। तो इसका लेखक है क्लेडियस गेलन।
नेक्स्ट है मांसपेशियों को संकुचन, उनमें उपस्थित द्रव्यों के, ठीक है यहाँ पे पशु नहीं रहेगा, यहाँ पे मांसपेशियों को संकुचन कैसे होता है, उनमें कुछ द्रव्यों के मस्तिष्क से तंत्रिकाओं के जरिए आने से होता है, जिसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इस बात को किसने कहा था, इस बात को कहा था गैलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे समय के गठिया यानी कुष्ठ रोग जो होता है लेप्रोसी रोग, लंबे समय के गठिया में व्यायाम मालिश का झुकाव सुझाव भारत के निम्न पुरातन ग्रंथ में मिलता है, तो यहाँ पे आयुर्वेद में, आयुर्वेद जो है ये औषधि शास्त्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न चिकित्सक अपने मरीजों का इलाज भोजन और मालिश द्वारा करने के साथ साथ चलने और दौड़ने के हल्के व्यायामों को भी करने का सुझाव देते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिप्पोक्रेटस हैं जो चिकित्सा शास्त्र के पितामह कहे जाते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन समय में निम्न देशों के वैज्ञानिकों व चिकित्सकों की रुचि गति विज्ञान विषय की प्रति थी, तो दोस्तों आपको पता है सभी का जड़ है यूनान यानी ग्रीस, तो यहाँ पे यूनान आपका राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में किसको गति विज्ञान का पिता कहा जाता है, किनेसियोलॉजी गति विज्ञान का पिता है अरस्तु। नेक्स्ट है पशुओं के अंग व जानवरों की गति के नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इस पुस्तक को लिखा है अरस्तु ने। नेक्स्ट है निम्न चिकित्सक बीमारियों के इलाज के लिए जिम्नास्टिक को महत्व देता था, तो दोस्तों हेरोडियस था, जो हेरोडियस जो है बीमारियों के इलाज के लिए जिम्नास्टिक को महत्व देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है, तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा, जो लंबी अस्थियाँ होती हैं जिसके बीच में खोखला भाग होता है जिसे हेवेसियन नाल कहते हैं, उसमें अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो होता है जिसे रक्त का निर्माण होता है, एंड भ्रूणावस्था में यकृत में होता है, याद रखिएगा। जो आरबीसी होता है वह ऑक्सीजन उसमें उपस्थित होता है जिसके कारण हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग जो है लाल दिखाई देता है, आरबीसी में उपस्थित होता है रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन, जो प्रति 100 ग्राम में 15 ग्राम प्रति 100 क्यूबिक मीटर मिलीलीटर रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आपको पता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है हीम, हीमोग्लोबिन में हीम से तात्पर्य है हीम, हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब ये प्रोटीन होता है, यानी कि आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो उसमें हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में जो ऑक्सीजन को लेकर के समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाता है, तो यहाँ पे आपको क्या काम है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन ढोना, क्या हो जाएगा ऑक्सीजन ढोना, जो कोशिकाओं तक पहुंचाती है जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में यह ग्लूकोज को जारण करके एटीपी का यानी ऊर्जा उत्पादन करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा उत्पादन गृह कहा जाता है। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या कार्य है, तो दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य होता है रोगों से बचाव, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, और WBC में जो होता है वह जो है
दो प्रकार का होता है, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट, यानी कणिका युक्त और कणिका रहित। जो कणिका युक्त होता है 70-75% होता है, जो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एयूसिनोफिल्स होता है। जो अग्रेनुलोसाइट होता है, कणिका रहित होता है, वो 25% वर्णी पाया जाता है, जिसमें से लिम्फोसाइट 25%, जिसमें टी लिम्फोसाइट और डी लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कोशिका होती है। एक होता है मोनोसाइट, जो 5% पाया जाता है, जो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कोशिका होती है। मोनोसाइट जो है बैक्टीरिया को खाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपका जो डब्ल्यूबीसी होता है, उसमें जो एंटीबॉडीज होता है वो बैक्टीरिया को पहचान करने का काम करता है और बैक्टीरिया को मारने का काम करता है टी लिम्फोसाइट, और बैक्टीरिया को भक्षण करने का काम करता है मोनोसाइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है 22 फीट। कितना होती है? 22 फीट, यानी कि 6.5 मीटर, और चौड़ाई यानी व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जोजनम, इलियम। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन व अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड रेनिन नामक रस भोजन में कहाँ विलय होते हैं, यानी मिलते हैं? तो दोस्तों, हमारे अमाशय में मिलते हैं, अमाशय यानी स्टोमस, पेट में। अमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जठर ग्रंथि, उसी से जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसे अंतर्गत हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एंड एंजाइम में पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज स्रावित होता है। इसमें से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ओनली 0.4% पाया जाता है, एक प्रकार का जलता हुआ द्रव होता है, जो भोजन के साथ आए हुए जहरीले पदार्थों को, कीटाणुओं को तथा कंकड़ पत्थर को जलाकर नष्ट कर देता है, जो HCl होता है, और निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में बदल देती है। और जो एंजाइम होते हैं अमाशय में, वो पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, जिसमें से पेप्सिन जो होता है वो HCl की उपस्थिति में प्रोटीन से संबंधित भोज्य पदार्थों को पाचन क्रिया करके पेप्टोन में बदलता है, और जो रेनिन होता है दूध को कैसीन में बदलता है, दूध का पाचन करता है, बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। एंड जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है, फैट यानी लिपिड को पचाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड पैंक्रियाज से आपका स्राव होते हैं एंजाइम एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, जो एमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जो लाइपेज होता है वो पित्तरस के साथ मिलकर फैट यानी वसा को पाचन करता है, और वसा को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदलता है। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टोन जो होता है अमाशय में बना होता है उसको पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, ठीक है, यानी प्रोटीन, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में भी बदलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों, आपको पता ही है जो पित्त रस यानी वाइल जूस होता है उसका निर्माण होता है यकृत यानी लीवर में। पित्त रस क्या करता है? फैट को पचाने में मदद करता है और नमक की मात्रा को कम करता है। पित्त रस जो है वसा को जल में घुलनशील बनाती है तथा इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं, यानी कि अमाशय से आने वाली अम्लीयता को कम करता है, अर्थात इसके द्वारा वसा का इमल्सीकरण होता है। पित्त रस के द्वारा निर्माण होता है यकृत में एंड स्टोर होता है, इकट्ठा होता है पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर में, और यह गाल ब्लेडर की नली जुड़ी रहती है छोटी आंत के पहले भाग डोडिनम में, जहाँ पे पित्त रस वहाँ भोजन में मिलता है, और छोटी आंत के डोडिनम में आग्नाशय नली भी जुड़ी होती है, जहाँ से आग्नाशय से आने वाली जो एंजाइम होते हैं एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, ये भी आकर के वहाँ पे छोटी आंत के प्रथम भाग डोडिनम में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत यानी लीवर का भार कितना होता है? तो दोस्तों, 1.5 kg होता है। नेक्स्ट है, एक
मनुष्य एक मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? ये जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट हो चुका है। तो मनुष्य एक मिनट में 12 से 20 बार श्वास लेता है। जब कोई एक्टिविटी या अभ्यास करता है तो उस कंडीशन में 40 से 50 पर मिनट श्वास लेता है, लेकिन जब अभ्यस्त हो जाता है, प्रशिक्षित हो जाता है, तो 8 से 10 बार सांस लेता है। ठीक है, प्रशिक्षित होने पर 8 से 10 बार सांस लेता है, यानी कि श्वास का जो संख्या होगा प्रति मिनट जितना कम होगा उतना ही आपको अच्छा माना जाएगा, उतना ही आप सहनशील होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों, जैसा कि हमारे नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है, तंत्रिका तंत्र को, CNS, PNS, ANS, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? CNS, PNS, ANS। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में PNS में 43 जोड़े नाड़ियाँ आती हैं, जिसमें से 12 जोड़े दिमाग से निकलने वाली नाड़ियाँ होती हैं और 31 जोड़े स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नाड़ी होती हैं। और तीसरा होता है ANS यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होती है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे मस्तिष्क तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? 12 जोड़ी, ठीक है, 12 जोड़ी आपका राइट आंसर होगा। जबकि जो है स्पाइनल तंत्रिकाएं कितनी होती है? 31 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती है? अभी जस्ट मैं बताई हूँ, मेरु तंत्रिका यानी कि स्पाइनल तंत्रिका जो है 31 जोड़ी होती हैं। पूरे नर्वस सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जा करके पाचन तंत्र वाले वीडियो को जरूर देखिए, नर्वस सिस्टम वाले वीडियो को, डिटेल में सभी चीज़ें बताया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो दोस्तों, हमारे ब्रेन का जो भार होता है 1350 से 1450 ग्राम, ठीक है, 1350 से 1450 ग्राम होता है, बट यहाँ पे ओंस में दिया है, तो 40 से 50 ओंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा वीडियो जो है, 24 क्वेश्चन ही था इसमें, जिसको मैंने आपको डिटेल में बताया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सा क्वेश्चन कब पूछ दिया जाए कोई नहीं जानता, इसलिए एक एक चीज़ पर गौर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।